कटिहार के बीएमपी मैदान में दीक्षांत परेड समारोह 2023 का किया गया आयोजन। बीएमपी 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद के दिशा निर्देश में आयोजित सत्र 2022-23 का यह पासिंग आउट परेड समारोह बेहद खास रहा। नमस्कार, आदाब, मैं आमिर इस्तकबाल करता हूं केटीएन न्यूज में। पासिंग आउट परेड समारोह में 10 प्लाटून के 981 पुरुष जवान और अनुदेशक शामिल हुए, जो सत्र 2022-23 के लिए एक वर्ष प्रशिक्षण 329 दिनों प्राप्त किया। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद समारोह पूर्वक पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था। पासिंग आउट परेड समारोह में पूर्णिया पुलिस महानिरीक्षक सुरेश कुमार चौधरी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक सुरेश कुमार चौधरी ने प्रशिक्षण के बाद पासिंग आउट परेड में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पासिंग आउट परेड में शामिल प्रशिक्षकों का उत्साह देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने पिछले एक साल में प्रशिक्षण के दौरान पूरी ईमानदारी के साथ जी तोड़ कड़ी मेहनत की है। बहुत बधाई, बहुत ही शानदार परेड हुआ है, आप लोग भी देखे होंगे। और अब सभी लोग अपने अपने वाहनी में जा करके अपने जिले में कार्य करेंगे, उनको ढेर सारी बधाइयाँ। वहीं दूसरी ओर बहुप्रतीक्षित फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार, BMP 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद एवं पुलिस महानिरीक्षक श्री सुरेश प्रसाद चौधरी प्रक्षेत्र के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बता दें कि BSAP 7 कटिहार BMP NHAI के दोनों तरफ बसा हुआ है। एक तरफ परेड ग्राउंड जबकि दूसरी तरफ सिपाही एवं पदाधिकारियों का बैरक है। वर्तमान में यहां 1200 सिपाही कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 1000 प्रशिक्षु यहां प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं। दिन भर में 4 बार एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना होता था, जिससे अक्सर तेज रफ्तार वाहनों से कई पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजन की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है और कई अस्थायी रूप से विकलांग हो चुके हैं तथा जाम की समस्या से घंटों यातायात बाधित रहता था। समादेष्टा BSAP 7 कटिहार दिलनवाज अहमद के अथक प्रयास से NHAI के पटना एवं नई दिल्ली कार्यालय से विशेष परिस्थिति में रोड सेफ्टी योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यह बिहार का पहला फुट ओवर ब्रिज पुलिस कल्याण के लिए तैयार कराया गया है। इसके बन जाने से BSAP के जवानों एवं पदाधिकारियों में काफी खुशी महसूस की गई। निश्चित रूप से इसके बन जाने से प्राणों की रक्षा एवं दुर्घटना की सुरक्षा होगी, बल्कि इस सड़क पर जाम की समस्या का निदान हो जाने से भी शहरवासी भी प्रसन्न होंगे।